तो हेलो गाइस, 9-10 दिन के बाद 75 हार्ड जर्नी चैलेंज जो मैंने लिया था वो हमारा फिर से जर्नी स्टार्ट हो गई और हम आ गए हैं आज जिम में। तो इतने दिन का जो ब्रेक पड़ा ना, तो मेरा कुछ खास मन नहीं किया एक्सरसाइज करने का। मैंने थोड़ी देर की एक्सरसाइज, बट मुझे मन कर रहा था ओपन ग्राउंड में एक्सरसाइज करने का। मुंबई में थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हो गई है, अच्छी खासी से गर्मी पड़ रही है, तो फिर हम चल दिए ओपन ग्राउंड के लिए। तो ये हम रास्ते में जा रहे हैं, तो ये बन साइड से 2.5 किलोमीटर पड़ता है, तो हमारा जाना और आना ये 5 किलोमीटर हमारी वॉकिंग हो जाती है। उसके बाद हम ग्राउंड में जा करके एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और अगर कभी एक्सरसाइज नहीं भी करते ना तो काफ़ी वॉकिंग हो जाती है डेली। तो ये देखिए, ये ग्राउंड है, तो यहाँ पे शाम के टाइम सभी लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सभी लोग आते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 राउंड मैंने रनिंग किया और 1 राउंड मैंने वॉक किया इस ग्राउंड में। तो इतना मैंने किया, और अभी थोड़ी कम भीड़ है क्योंकि ये करीब 6 o'clock का टाइम होगा, ये 9:30 तक खुला रहता है, ओपन रहता है, तो उस करीब 7-7:30 के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैं रनिंग वगैरह एक्सरसाइज करने के बाद आ गई मंदिर। ये शिव मंदिर है यहाँ पर, अय्यप्पा मंदिर, नवग्रहों का मंदिर, बहुत अच्छा प्यारा व्यू है। बैक साइड में देखिए ओशियन है। तो मैं यहाँ पे आई और सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं, हल्के हल्के से दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 10-15 मिनट में बैठी, यहाँ की ठंडी ठंडी हवा बड़ा अच्छा लग रहा था। देखिए शाम, ये सभी लोग अभी 7:30 बजे मंदिर में आरती होती है, तो वहाँ पे अटेंड करेंगे। तो सब लोग आते हैं 7:30 बजे तक यहाँ पे बैठते हैं, उसके बाद 7:30 बजे आरती में सभी लोग जा करके आरती को अटेंड करते हैं, उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। तो ये वॉकिंग डिस्टेंस भी हो जाता है लोगों का, और पूजा भी हो जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये यहाँ पे जाना। तो मैं भी वहाँ पे बैठी और मैंने भी खूब ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लिया। और उसके बाद हमने माता टेका मंदिर में, शिव मंदिर में अंदर, और फिर यहाँ से मैं बाहर निकल आई। और मुझे एक्चुअली आज आरती तक मैंने वेट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे किसी काम से थोड़ा जल्दी आना था। तो ये बाहर का व्यू है मंदिर का, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है, सभी लोग यहाँ पे बैठे। हमारी माताएं उधर अपना कीर्तन भजन, अपनी मंडली साथ में सभी इकट्ठी होकर आती हैं, बड़ा अपना भजन वगैरह करती हैं साथ में बैठ के। तो यहाँ से निकलने के बाद मैं अभी चल दी घर के लिए मंदिर से निकल के। और ये मंदिर के बाहर का है, कभी अगर आप मंदिर नहीं, जैसे बाहर ही बैठना चाहते हो, कभी शूज वगैरह या कुछ जाने का मन नहीं है, तो बाहर बैठ जाइए। और ये देखिए क्लासेस चल रहे हैं छोटे बच्चों के, स्केटिंग के क्लासेस, यहीं पे पेरेंट्स आते हैं, सभी अपना रनिंग करते हैं, बच्चों को लेकर के जाते हैं। और ये हमारा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे हम ग्रोसरी वगैरह का सामान लेते हैं, और साथ में ही ये फास्ट फूड का भी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे मैं आती हूँ, यहाँ पे मसूरी डोसा बहुत अच्छा मिलता है। तो आज मैं आपको, मेरा पर्पस है सारा, मैं पूरा आपको अपना सराउंडिंग दिखा रही हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ तक जाती हूँ। तो ये है कॉम्प्लेक्स, ये साइड में यहाँ पे फ्रूट्स और सारा कुछ मिलते हैं, वेजिटेबल वगैरह सभी मिलते हैं लेफ्ट साइड में, जो मैं नहीं दिखा पाई, पूरा गोल्ड मैं मुझे घुमाना था एक्चुअली, वो नहीं मैंने नहीं दिखा पाया। और फिर मैं वहाँ से चल दी, तो लौट के आ रही हूँ। फिर मैं 2.5 किलोमीटर आऊँगी घर, तो मेरी अच्छी खासी वॉकिंग और एक्सरसाइज सारी हो गई है। और तो ये रही मेरी आज की वीडियो, आप लोगों को कैसे लगी बताइएगा। बाय बाय, जय माता की।